फतेहपुर जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज बांदा सागर मार्ग बाईपास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मानक के विपरीत कार्य किए जाने पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि पहले जिस कंपनी ने इस मार्ग का निर्माण किया है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रेलवे KDRM से भी बातचीत कर रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य जल्द पूरे किए जाने की बात कही। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किए गए ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया, क्योंकि लोकार्पण के बाद यह मार्ग लगभग 3 माह बाद ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया। वह रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ पुल डैमेज हो गया, जिसके कारण इस मार्ग को बंद कर दिया गया था और अब इसका निर्माण चालू होने को है। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मानक के विपरीत कार्य किए जाने पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि पहले जिस कंपनी ने इस मार्ग का निर्माण किया है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रेलवे KDRM से भी बातचीत कर रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य जल्द पूरे किए जाने की बात कही। वहीं केंद्रीय मंत्री ने परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग बांदा सागर मार्ग को मार्ग की सुविधा न देने के बावजूद ही जिंतपुर स्थित टोल प्लाजा से टोल टैक्स वसूलने को गलत बताया। उन्होंने कहा इस मार्ग का शीघ्र निर्माण अथवा मरम्मत कराएं और जब तक मार्ग नहीं बनता तब तक इस मार्ग को टोल फ्री कर दिया जाए। कब शुरू करवाएंगे, मुझे तारीख आज बता दीजिए। क्या खामियां पाएंगे, क्या निर्देश दिए अधिकारियों? खामियां इसमें बहुत हैं और जिस रोड को बरसों चलना चाहिए था 2 महीने के लिए चला था उसी काम से हमने तत्काल इसमें अब चक्कर लगाया था और रेलवे विभाग को जांच दी थी, रेलवे विभाग ने इसको कैंसिल किया था कि रेलवे के हिसाब से ठीक नहीं है। दोबारा इसका टेंडर हुआ, बनने के लिए आदेश हुआ है। मैं माननीय गडकरी जी का लगातार संपर्क में रही, उनसे बात भी करती रही हूँ, उन्होंने तत्काल इसका आदेश दिया है और अभी टेंडर भी होने वाला। मैंने कहा है कि इसको जैसे NH बन रहा है NH2 ऐसे इसको बनना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भारी वाहन निकलते हैं गिट्टी मोरम और ये एक तरह से सागर लखनऊ बांदा सागर मार्ग है, तो यह हमेशा स्थायी रूप से हो जाएगा। कुछ कमियां रहीं शिकायत होने के बाद भी प्रदेश में, उस समय मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था 17 में, मैंने मटेरियल देखा था तभी इसकी गड़बड़ी थी, तभी मैंने इसको कहा था ये ठीक नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद सीधे मंत्री जी से मिल करके जब शिकायत की तब उस पर देखा गया, रोक लगाई गई, जांच टीम भी आई थी, उसी के आधार पर इसको कैंसिल किया गया। उद्घाटन किसने किया था इसका? अब उद्घाटन तो देखो बुलाया जाएगा तो माननीय प्रधान सभी ऊपर से अच्छा दिख रहा तो उद्घाटन तो करना ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई ये थोड़ी कि उद्घाटन किसने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था भाई, विभाग देता कि बनके कंप्लीट हो गया, वाहन भी चलने लगे थे, लेकिन अंदर इन्होंने क्या किया था ये तो उसकी जवाब है। क्या खामियां पाई गई?